Hello students, I am Dr. Rupinder Syal and welcome again to Spartan Tutorials. So today's topic is in a continuation of our NET syllabus. Okay, so already we have discussed a few introductory topics in 6 lectures about CSIR NET syllabus. This is the first unit, that is biochemistry. So today we are going to jump into the macromolecules of life and we are going to start with carbohydrates. So let's get started. So I'll be speaking in a mixture of English and Hindi so that every one of you can understand. If you don't understand a term or a definition, please let me know. I'll be happy to explain. Okay, to start karte hain. So let's start with the name carbohydrates. Okay, so carbohydrates basically come from a mixture of two words, carbo, which means basically carbon. These are organic compounds. Okay. Or hydrates means these contain kind of water molecules attached or hydrated basically. So ये इसका नाम इसलिए पड़ा हर carbohydrates का, क्योंकि जो general formula है, in term of general formula जो carbohydrates का है वो है CH2ON. For example, अगर हम glucose को देखें तो glucose का जो formula है वो है 6H12O6. सो ये जनरल फार्मूला है ग्लूकोज का. लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स का यही फार्मूला हो. ये एक्चुअली बहुत लिमिटेड स्कोप है इसका. देर आर मेनी अदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हम पढ़ेंगे हमारे लेक्चर्स में जिसमें ये फार्मूला बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है. बट दिस इज ए जनरल थिंग टू नो अबाउट कि ये नाम क्यों आया. ऑफकोर्स लेकिन जो बेसिक फैक्ट है वो बिल्कुल यही है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही इसमें होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन जो है जो प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स में होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स में यूजुअली नहीं होती है. ओके, सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ द टर्म कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, आगे चलते हैं. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली यूजुअली हम एसोसिएट करते हैं अपनी डाइट से. फॉर एग्जाम्पल वी ईट राइस, वी ईट वीट, राइट, हम गेहूं की रोटी खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, या ब्रेड खाते हैं, या चावल खाते हैं, या इवन बार्ले, राइट, जैसे बाजरा वगैरह, राइट. तो ये सारे जो ग्रेन्स हैं ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो ह्यूमंस की एवोल्यूशन में, ह्यूमंस के लाइफ में एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज दे आर द फ्यूल ऑफ लाइफ काइंड ऑफ. बिकॉज हमारा जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है और कई ऑर्गेनिजम्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे. इसके अलावा इनके कई और रोल्स भी हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के केस में जो इनकी आउटर सेल वॉल होती है तो वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है. आई एम श्योर कि आपने प्लस टू में या बीएससी में इसको जरूर पढ़ा होगा. ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल का थोड़ा डिफरेंस होता है. और पेप्टिडोग्लाइकन में पेप्टाइड जो है ये है प्रोटीन पार्ट, अमीनो एसिड पार्ट, और ग्लाइकन जो है वो है अगेन कार्बोहाइड्रेट पार्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए. और इसीलिए काफ़ी जो हमारे जैसे लाइसोजाइम है जो हमारे टीयर्स में, हमारे आंसुओं में होता है, वो एक्चुअली पेप्टिडोग्लाइकन पे ही काम करता है. पेप्टिडोग्लाइकन को बेसिकली डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है. दैट्स व्हाई वी कैन अवॉइड आई इन्फेक्शंस. ओके, सिमिलरली प्लांट्स के केस में जो सेलुलोज है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है. और इसके अलावा एक्चुअली कई सिग्नलिंग इवेंट्स में हम जैसे जैसे डिस्कवर कर रहे हैं, जैसे जो एनिमल सेल्स हैं उनमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स का काफ़ी रोल है. हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स का काफ़ी रोल है. हर एक जो एनिमल सेल है, चाहे वो ह्यूमन सेल है, चाहे वो माउस का सेल है, हर एक सेल में एक्चुअली जो आउटर कोट है उसको ग्लाइकोकेलिक्स कह देते हैं. ग्लाइकोकेलिक्स, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. सो ग्लाइकोकेलिक्स कह देते हैं उसको. और इसको हम रुदेनियम रेड डाई जो होती है उससे हम इसको देख भी सकते हैं किसी भी एनिमल सेल में कि ये कार्बोहाइड्रेट कोट प्रेजेंट होता है. तो ये सेल सेल रिकॉग्निशन कि ये सेल्फ सेल है, नॉन सेल्फ सेल है, सिमिलर टिश्यू का सेल है,
एपिथीलियल सेल है या मेसेनकाइमल सेल है, राइट, जैसे हम बाद में नेट के सिलेबस में डिस्कस करेंगे, कैंसरस ग्रोथ में ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो सेल सेल रिकॉग्निशन में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है. सो कार्बोहाइड्रेट्स के कई रोल्स हैं स्ट्रक्चर के, जैसे बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकेन, सेलुलोज इन केस ऑफ प्लांट्स, राइट. कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइट, राइट, जैसे राइस, वीट, बार्ले, ऑल दी ग्रेन्स दैट वी हैव, राइट, सो दे आर दी मेजर फूड फॉर ऑलमोस्ट ऑल दी ह्यूमंस ऑन अर्थ एंड मेनी एनिमल्स, राइट. सो दे प्ले मल्टीपल रोल्स इन दी बायोस्फीयर. ओके, सो कमिंग बैक टू दी डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सो एग्जैक्टली अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो दिस डेफिनेशन सेज दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. सो यहाँ पे हम थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली इनमें फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं, राइट, क्योंकि किसी भी कंपाउंड की, किसी भी केमिकल की, हम बायोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो ये सारे केमिकल्स हैं, किसी भी केमिकल की जो रिएक्टिविटी है या उसके जो केमिस्ट्री है वो उसके फंक्शनल ग्रुप्स पे डिपेंड करती है. तो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में दो फंक्शनल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं, एल्डिहाइड और कीटोन. एल्डिहाइड का जैसे आपको जनरल फॉर्मूला पता होगा, RCHO, राइट, R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन या इथाइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे CHO फंक्शनल ग्रुप है. और जो कीटोन है उसका जो जनरल नोटेशन है वो है RCOR prime. R और R prime का मतलब कि ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं और बीच में ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, सो दैट इज कीटोन. तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें पॉली हाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप, राइट. सो ये तीसरा फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स में हो गया. तो इससे ये काफी इनकी हमें केमिस्ट्री पता लग रही है, इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, इनमें एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है, राइट. और इन दोनों में से एक होता है यूजुअली, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप सभी में प्रेजेंट होता है और कई ज्यादा होते हैं. और इसकी एक और डेफिनेशन है कि अगर डायरेक्टली ना हो देन दी सब्सटेंसेस दैट कैन यील्ड देम अपॉन हाइड्रोलिसिस, अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें विद द हेल्प ऑफ वाटर फॉर एग्जांपल, या एसिड ट्रीटमेंट से या किसी से अगर हाइड्रोलिसिस करें तो ये कंपाउंड्स बनने चाहिए. तो ये एक तरह से केमिस्ट्री डेफिनेशन इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की हो गई, राइट. सो फंक्शंस जैसे मैंने पहले कहा, मेजर पार्ट ऑफ अवर डाइट, स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन प्लांट्स में, सेलुलोज, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, एंड एज आई वॉज टेलिंग यू प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन सेल टू सेल एडहीजन, राइट, सो स्टिकिंग टूगेदर ऑफ सेल्स. तो सेल जो है वो आपस में स्टिक कर रहे हैं, चिपक रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, बाउंड रहते हैं एक दूसरे से, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स काफी इंपॉर्टेंट है. एंड दे आर ऑल्सो अटैच टू प्रोटीन्स, अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स मेड बाई ह्यूमन्स एज वेल एज अदर ऑर्गेनिजम्स वो ग्लाइकोसिलेटेड होते हैं. ग्लाइकोसिलेटेड का मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड होते हैं. सो प्रोटीन्स का तो आपको पता ही है, दे आर जस्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स. और कई मेमेलियन प्रोटीन्स, आई थिंक द एस्टिमेट फॉर ह्यूमंस इज अबाउट 30%. यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट हाउ मेनी प्रोटीन्स आर नोन और एस्टिमेटेड टू बी ग्लाइकोसिलेटेड, लेकिन 30% के अराउंड ये नंबर है कि वो ग्लाइकोसिलेटेड है. कईयों में इतना, कई एस्टिमेट्स में इससे ज्यादा भी एस्टिमेट किया गया है. ओके, सो दिस इज द ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके जी, चलिए आगे चलते हैं. ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ऑलराइट, सो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पहले तो है मोनोसैकेराइड्स. यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, क्योंकि जो सैकेराइड है, हम काफी आप प्लस टू में या टेंथ में पढ़ चुके होंगे कि सैकेराइड, ये एक्चुअली सैकेराइड वर्ड कहाँ से आया है, एक्चुअली ये इंडिया से ही आया है, क्योंकि ये वर्ड आया है शक्कर से. ओके, शक्कर से जो वर्ड है वो बना, एक्चुअली उसका रूट बन गया सैकेरॉन और वहां से सैकेराइड बना, राइट. और ये सैकरीन जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो भी वहीं से आया है. तो काफी जो है क्रॉस कल्चरल कनेक्शन है यहाँ पे. ये नहीं कि हम इंग्लिश के वर्ड्स ही यूज करते हैं हिंदी में, हिंदी के भी कई वर्ड्स एक्चुअली इंग्लिश में चले जाते हैं, राइट. सो ऑल द लैंग्वेजेस आर ए मिक्सचर ऑफ वर्ड्स बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस. एनीवेज, मोनो का मतलब होता है वन,
डाई यहां मतलब है टू, मैं यहां पे ओवरव्यू दे रहा हूं, सो और पॉली का मतलब होता है मैनी, कई। तो मोनोसैकेराइड मतलब एक, इसका मतलब सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट, मतलब उसमें कई हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो सकते हैं लेकिन सिर्फ एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, इन दोनों में से एक होगा लेकिन सिर्फ एक ही होगा। ओके, डायसैकेराइड्स में दो या दो से ज्यादा, राइट, डायसैकेराइड्स में एक्चुअली इट्स ओनली टू मोनोसैकेराइड्स जॉइंट बाय अ बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जैसे अमीनो एसिड्स को कनेक्ट करने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को कनेक्ट करने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ओके, पॉलीसैकेराइड्स में दे कंटेन 20 और मोर मोनोसैकेराइड्स जॉइंट बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। सो जो हमारे कॉमन रिजर्व फूड हैं या डाइट के फूड्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च है, राइट, वीट है, या हम जो खाते हैं फॉर एग्जांपल फ्लावर है, स्टार्च है, सेलुलोज है, राइट, फंजाई में काइटिन होता है, राइट, दीज आर ऑल पॉलीसैकेराइड्स। ओके, डायसैकेराइड्स में मोस्ट पॉप जो कॉमनली यूज्ड, जो हम कॉमनली एनकाउंटर करते हैं वो है टेबल शुगर, सुक्रोज। सुक्रोज इज अ डायसैकेराइड, तो इसमें दो मोनोसैकेराइड्स हैं वो जॉइंट टुगेदर हैं बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, मूविंग ऑन। ओके, तो मोनोसैकेराइड्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं आगे इसका। एल्डोजेस एंड कीटोजेस, ये इनकी दो कैटेगरीज हैं। सो मोनोसैकेराइड, जैसे मैंने पहले कहा कि पॉलीहाइड्रोक्सी, तो इनमें कई मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं और सिर्फ एक एल्डिहाइड यूनिट है या कीटोन यूनिट है। तो अगर एल्डिहाइड यूनिट है देन इट इज कॉल्ड अ एल्डोज, और अगर कीटोन ग्रुप है देन इट इज नोन एज अ कीटोज। ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला एंड यू कैन सी एल्डोज का जो एग्जांपल है वो है ग्लूकोज, राइट। सो दिस इज द मेजर ब्लड शुगर, राइट। तो ब्लड शुगर की जब हम बात करते हैं तो ग्लूकोज की बात होती है। तो ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर ब्लड इन सम अमाउंट, राइट। अगर ज्यादा प्रेजेंट हो तो ऑफकोर्स दैट इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम दैट कैन इंडिकेट डायबिटीज, राइट। और अगर लो हो जाए वो भी प्रॉब्लम है, पर्सन कैन फेंट, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। एनीवेज, एल्डोज है ग्लूकोज। तो यहां पे इसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं ग्लूकोज का। यहां पे आप देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं और ये बिल्कुल एंड पे सी एच ओ ग्रुप, राइट, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसको आप सारे को आर मान सकते हो और ऊपर सी एच ओ, राइट। सो दैट्स योर एल्डोज। तो ये आपका एल्डोज हो गया। फ्रक्टोज जो फ्रूट शुगर है वो कीटोज है, उसमें कीटोन ग्रुप होता है। ओके, सो आई एम नॉट शोइंग द स्ट्रक्चर हियर बट इट हैज सिमिलर स्ट्रक्चर, द ओनली थिंग इज इट हैज कीटोन ग्रुप। ओके, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मोनोसैकेराइड्स वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई देम इन टू ट्रायोजेस, टेट्रोजेस। तो ट्रायोजेस का मतलब तीन कार्बन एटम टोटल, राइट, सो वन टू थ्री। और इसमें एग्जाम्पल है ग्लिसरेल्डिहाइड और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोजेस में फोर कार्बन, जैसे एरिथ्रोज, एरिथ्रोलोज, राइट। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो नेम्स हैं, जैसे यहां पे एरिथ्रोज एंड एरिथ्रोलोज है, यहां पे यूएल आ गया है, तो ये यूजुअली इंडिकेट करता है कीटोन्स। ओके, यहां पे यूएल बीच में लगा देते हैं नाम के। और जो एरिथ्रोज है अकेला वो है एक एल्डोज। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट। तो ग्लिसरेल्डिहाइड, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये एक्चुअली बिल्कुल मिनिमम मोनोसैकेराइड्स हैं हमारे, राइट। वी कांट स्टार्ट विद ओनली टू कार्बन एटम्स, सो वी हैव टू स्टार्ट विद थ्री। सो ट्रायोजिस से स्टार्ट होता है और उसके बाद डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, एरिथ्रोज, एरिथ्रोलोज, राइट, एंड सो ऑन। ओके, अभी हम आ जाते हैं पेंटोजेस पे। सो फाइव कार्बन एटम्स, सो राइबोज, राइबुलोज। तो यहां पे भी आप गेस कर सकते हो रिबुलोज जो है या राइबुलोज है, उसमें ये सीओ ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है, तो इट इज अ कीटोज। एंड राइबोज इट इज एन एल्डोज, राइट।
यहाँ पे ग्लूकोज है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैनोज है और फ्रक्टोज है. फ्रक्टोज हमने पहले बात की थी कि इट इज अ कीटोज एंड हियर इज द कीटोन ग्रुप. तो ये हेक्सोज हैं सारे, तो इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस. ओके, सो आपने पिछली स्लाइड्स में देखा होगा कि हमने ये नोटेशन यूज की है, डी ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, ये क्या है. तो आई थिंक आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद आ रही होगी, डी एंड एल नोटेशन होती है इनमें. सो डी एंड एल नोटेशन कहां से आई है. बेसिकली मोनोसैकेराइड्स के कई स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं. स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी केमिकल कंपोजिशन सेम होती है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट उनका 3D जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट है. और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या इवन जो हमारी मेडिसिंस हैं वो प्रॉपर स्टीरियो आइसोमर में हो. फॉर एग्जांपल जो अमीनो एसिड्स हम डाइट में लेते हैं या जो हमारी बॉडी बनाती है वो सारे एल अमीनो एसिड्स होते हैं. ओके, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम यूजुअली खाते हैं फॉर एग्जांपल दे आर डी अमीनो एसिड्स, सॉरी डी कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सो दे आर डी कार्बोहाइड्रेट्स. सो दे आर डी कार्बोहाइड्रेट्स. सो ये नोटेशन कहां से पड़ी, ये नोटेशन एक्चुअली आती है फ्रॉम द कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड. तो ग्लिसरल्डिहाइड हमारा रेफरेंस कंपाउंड है, उसके बेस पे हम जो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, सुक्रोज है, इवन एनी अदर मोनोसैकेराइड, सुक्रोज तो चलो डाइसैकेराइड हो गया, बट एनी मोनोसैकेराइड उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए डी और एल फॉर्म. यहां पर मैं ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करवाना चाहूंगा कि डी और एल का ये मतलब नहीं है कि दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी जो नॉर्मल इनका मतलब होता है. यहां पे सिर्फ उनका मतलब डी या एल ग्लिसरल्डिहाइड के साथ है कि वो डी या एल ग्लिसरल्डिहाइड के साथ उनका स्ट्रक्चर मैच करता है या नहीं करता है. सिमिलरली अमीनो एसिड भी, सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल इन अवर बॉडी दे आर एल अमीनो एसिड्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीवो रोटेटरी है. Not all amino acids are levorotatory. Some are, but some are not. तो L का मतलब levorotatory मत समझिए. Okay? This is a common misconception. Okay. So हम देखते हैं D glyceraldehyde की जो configuration है और L glyceraldehyde की configuration है. Right? So यहाँ पे हम carbonyl carbon का यहाँ पे देखते हैं कि जो D glucose है या L glucose है, उनको compare करते हैं कि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डी ग्लिसरल्डिहाइड के साथ मैच करती है या एल ग्लिसरल्डिहाइड के साथ मैच करती है. और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे तो काफी कार्बन्स हैं, तो हमें देखना पड़ता है एक कायरल कार्बन विच इज मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन. ओके, सो ये थोड़ा सा टेक्निकली ज्यादा हो गया, तो हम इसको धीरे धीरे अनपैक करते हैं. कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन है आपका या तो एल्डिहाइड ग्रुप या फिर आपका कीटोन ग्रुप. तो यहां पे फॉर एग्जांपल जो कार्बन एटम नंबर 1 है दैट इज कंटेनिंग द कार्बोनिल ग्रुप. ओके, सो दैट्स कार्बन एटम नंबर 1. इससे हमने सबसे ज्यादा दूर मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन देखना है. कायरल कार्बन क्या होता है, एक कार्बन जिसके जो 4 बॉन्ड्स हैं वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हो. अगर एक में डबल बॉन्ड है तो वो कायरल कार्बन नहीं है. अगर एक में फॉर एग्जांपल H और H दोनों सेम हैं तो वो भी कायरल कार्बन नहीं है. सभी 4 ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, तो उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन कह देते हैं या कायरल कार्बन कह देते हैं. ओके, सो यहां पे देखते हैं ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया. अब इसमें देखते हैं ये जो कार्बन है वो क्या कायरल कार्बन है. सो इसमें एक तो H है, एक OH है, एक ये वाला सारा ग्रुप लगा हुआ है और ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज डेफिनेटली ये कायरल कार्बन. ओके, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं. मी जस्ट इरेज ऑल दिस. ठीक है जी, तो ये हमारा कायरल कार्बन है. थर्ड वाला जो है OHH, ये भी है कायरल कार्बन बिकॉज इट इज कंटेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स, सो दिस इज ऑल्सो कायरल कार्बन.
this is also a chiral carbon and this is also a chiral carbon if you compare their structures. Okay, और यहां पे जो है CH2OH, तो CH2OH को अगर हम खोल के लिखें तो एक्चुअली ये CH और यहां पे H और यहां पे OH रह जाता है, तो दो ग्रुप सेम हो गए. सो दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन. सो सबसे ज्यादा दूर जो कायरल कार्बन है वो है नंबर 5, राइट. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं HOH. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कंपेयर करेंगे L और D ग्लिसरेल्डिहाइड के साथ और देखेंगे कि वो किसके साथ मैच खाती है, स्पेशली जो कार्बन एटम नंबर 2 है. क्योंकि देखिए जो कार्बोनल कार्बन है वो तो हम वैसे ही नहीं कंपेयर कर सकते और ये कार्बन कार्बन है नहीं, तो क्या कंपेयर करेंगे इसके साथ, राइट. सो दिस इज ऑल्सो आउट. तो ये देखते हैं, देखिए यहां पे HOH है, इट इज एग्जैक्टली लाइक दी डी ग्लिसरेल्डिहाइड, तो इसका हम नाम रखेंगे डी ग्लूकोज. ओके, तो अगर आपको ना पता होता यहां पे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये डी ग्लूकोज है, बिकॉज यू आर लुकिंग एट दी कायरल कार्बन मोस्ट अवे फ्रॉम दी यू आर लुकिंग एट कायरल कार्बन मोस्ट अवे फ्रॉम दी कार्बोनिल कार्बन, राइट. कायरल कार्बोनिल, राइट, इट इज अ टंग ट्विस्टर. ओके, एनीवेज, सो बहुत ज्यादा स्की राइजोमर्स हो जाते हैं इनके, क्योंकि आप हर एक जो कायरल कार्बन है, जैसे यहां पे हमारे पास 4 कायरल कार्बन हैं. अब यहां पे HOH इधर है, लेफ्ट और राइट, इसको हम इधर भी कर सकते हैं, तो ये एक और तरह का ग्लूकोज बन जाएगा, राइट. इसको हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, सो वी कैन शिफ्ट इट अराउंड. सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर, अगर N कायरल कार्बन हैं, सो उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपली N इज द नंबर ऑफ कार्बन, तो एक सिंपल फॉर्मूला है 2^(n-2) उनके स्टीरियोआइसोमर्स होंगे. तो फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज के केस में 6 कायरल कार्बन हैं, सो 2^(6-2) इज इक्वल टू 2^4, तो 2 × 2 × 2 × 2 16 स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल. They can be D or they can be L, right? That is a different matter. लेकिन इतने ज्यादा stereoisomers होंगे. Ketoses, right? उनके लिए formula है 2^(n-3) stereoisomers. So that is 2^(6-3) equals 2^3. तो इनके 8 stereoisomers होंगे, right? So that is the calculation that you can have for how many stereoisomers are possible. मोस्ट हेक्सोजेस, जैसे मैंने पहले कहा कि दे आर डी आइसोमर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, अमीनो एसिड्स एल वाले होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स दे आर डी आइसोमर्स. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक वन एक्स्ट्रा पॉइंट हियर कि ये जो डी एंड एल नोटेशन है ये जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, इट हैज सीरियस लाइफ चेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेस. क्योंकि कई जो हमारी मेडिसिन हैं जब हम उनको प्रोड्यूस करते थे पहले इन दी अर्ली डेज, आजकल तो हमें काफ़ी टेक्निक्स पता हैं टू स्पेसिफिकली मेक दी डी आइसोमर और एल आइसोमर. प्रीवियसली व्हाट यूज टू हैपन कि जब हम ड्रग बनाते थे, सो इट यूज टू बी अ मिक्सचर ऑफ डी एंड एल, और उसमें से क्या होता था कि जो डी या एल उन दोनों में से डिपेंड करता है कौन सी दवाई है, तो डी एंड एल है उसमें से किसी का जो एक्चुअली बायोलॉजिकल इफेक्ट होता था और दूसरी जो है वो बेसिकली टोटली इनएक्टिव होती थी. ओके, तो जब हम जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती थी इनको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी. ओके, दैट्स फाइन, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. लेकिन प्रॉब्लम कई ड्रग्स में इसलिए आई कि जो अदर स्टीरियोआइसोमर है, जो डी एंड एल दोनों बन गए, उनका जो मिक्सचर है, बाय द वे उसको रेसीमिक मिक्सचर कहते हैं. सो अगर उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हों तो दैट इज अ प्रॉब्लम. तो और ये एक्चुअली हुआ है मेनी केसेस में. फॉर एग्जांपल देयर इज अ ड्रग, देयर वाज अ ड्रग कॉल्ड थैलिडोमाइड. ये दवाई थी थैलिडोमाइड और ये जर्मनी में डेवलप की गई थी ड्यूरिंग द 1930s आई बिलीव. और जब इसको सिंथेसाइज किया गया था तो इट हैड डी एंड एल आइसोमर्स प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट्स, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स. और ये प्रेग्नेंट वुमेन को दी गई थी फॉर टेकिंग केयर ऑफ मॉर्निंग सिकनेस. तो प्रेग्नेंट वुमेन को कई बार मॉर्निंग में नॉजिया बहुत होता है, उनको वॉमिटिंग आने का
काफी फीलिंग होता है, तो उसके लिए थैलिडोमाइड ड्रग दी गई थी. सो आई थिंक द डी आइसोमर वॉज ओके, बट द एल आइसोमर वॉज बैड. इट वॉज जस्ट अ डिस्ट्रक्टिव मॉलिक्यूल. तो आप इंटरनेट पे इसके पिक्चर्स भी सर्च कर सकते हैं थैलिडोमाइड के. द प्रॉब्लम वॉज इट वॉज अ टेरेटोजन. टेरेटोजन का मतलब क्या होता है? जेन का मतलब होता है समथिंग विच गिव्स राइज टू समथिंग. टेरेटो मीन्स मैलफॉर्मेशन. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थैलिडोमाइड का जो अदर आइसोमर था वो इनएक्टिव नहीं था. इट कॉज्ड एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट्स, खासकर जो आर्म्स की डेवलपमेंट है, जो लिम्ब्स की डेवलपमेंट है और लेग्स की डेवलपमेंट है, उसमें काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज मेनी बेबीज वर बॉर्न विदाउट हैविंग आर्म्स. तो उनके क्या होता था कि जो हाथ हैं बेसिकली दे यूज्ड टू बी लोकेटेड अराउंड हियर, वो डायरेक्टली शोल्डर के साथ अटैच होते थे. देयर वाज नो आर्म बेसिकली, राइट? वेरी डेवास्टेटिंग इफेक्ट. दोज पीपल आर स्टिल अलाइव टुडे, सम ऑफ देम, राइट? एंड देयर वाज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई. सो इट डज नॉट मीन कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पे, आप पढ़ रहे हैं अपने लेवल पे कि डी एंड एल नोटेशन ये सिर्फ एग्जाम के लिए है. इट इज नॉट जस्ट थियोरेटिकल, इट हैज रियल प्रैक्टिकल लाइफ changing consequences. So very, very important. Okay. So anyways, side note, let's move on. Okay. Another concept that we have is called epimers. So two monosaccharides, now we are comparing them, that have a different configuration around only one chiral carbon atom. Okay, so for example, if we have D-galactose, D-glucose and D-mannose, तो अगर इनमें सारी configuration same हो, for example, अगर galactose और glucose को आप compare करें, तो यहाँ पे ये तो चलो carbonyl carbon है, तो ये तो asymmetric है ही नहीं. ये दोनों same हैं, ये दोनों भी same हैं, ये different है, number 4, ये भी same है, and ये तो chiral carbon है ही नहीं. तो सिर्फ एक जो कायरल कार्बन है उसमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है. दीज आर कॉल्ड एपीमर्स. ओके, तो ये काफी बार नेट में पूछा जाता है क्वेश्चन दैट आइडेंटिफाई दी एपीमर्स आउट ऑफ दीज. ओके, सिमिलरली डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, दे आर एपीमर्स अराउंड अ डिफरेंट कार्बन विच इज दी कार्बन नंबर 2. ओके, ओके, सो मोनोसैकेराइड्स का जो हमने अभी तक स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए वो ऐसा लगता है कि वो दे आर बेसिकली लॉन्ग चेन्स, राइट? लेकिन एक्चुअली जब हम उनको एक्वो सॉल्यूशन में सेल्स में देखते हैं, दे आर नॉट लाइक दैट. दे बेसिकली साइक्लाइज देमसेल्व्स, दे अज्यूम अ साइक्लिक फॉर्म, रिंग लाइक फॉर्म उनकी डेवलप हो जाती है. ओके, राइट, रिंग लाइक फॉर्म. ओके, नॉट अ लीनियर फॉर्म. So in aqueous solution, they form cyclic structures. Okay, structure is known as hemiacetal, hemiketal. ये इनका basically organic chemistry का नाम है. आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. I don't think it will be asked in the net, but this is just for your information. Okay, this is called a hemiacetal or hemiketal. So cyclization से एक और फायदा हो जाता है, या एक और कैसे आप कह सकते हैं कि complexity आ जाती है, कि जो anomeric carbon है, जो RCHO हमने पहले discuss किया था, राइट? वो पहले एसिमेट्रिक था, लेकिन अभी क्या होता है कि वो भी एसिमेट्रिक हो जाता है. तो एक और कायरल कार्बन बन जाता है जब साइक्लाइजेशन हो जाती है. ओके, और इसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं. ओके, और स्ट्रक्चर्स जो है इनके वो पैरानोजेस या फ्यूरानोजेस हम कहते हैं. अगर तो सिक्स कार्बन या सिक्स मेंबर्ड रिंग है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक होता है पायरान, तो उसको ये उससे मिलते जुलते इनके स्ट्रक्चर लगते हैं, तो इनका नाम पायरानोजेस रख दिया. और पायरानोज, और एक होते हैं फाइव कार्बन कंपाउंड या फाइव रिंग कंपाउंड, तो वो है फ्यूरान. अगर उसकी जगह उसकी तरह इनका स्ट्रक्चर है तो इनको फ्यूरानोज कह देते हैं. ओके, सो एनोमर्स क्या होते हैं? बेसिकली आइसोमेरिक मोनोसैकेराइड्स दैट हैव अ डिफरेंट कॉन्फिगरेशन ओनली अराउंड द एनोमेरिक कार्बन. तो सिर्फ एनोमेरिक कार्बन. एपीमर्स क्या थे? किसी भी कार्बन पे, लेकिन अगर सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो तो उसको हम एनोमर्स कह देते हैं. ओके, सो लेट मी शो यू द रिएक्शन हियर. ऑलराइट, सो दिस इज द ग्लूकोज, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये यहां पे
एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कई लोग डरते हैं केमिस्ट्री से, इट्स फाइन, केमिस्ट्री इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट एनीवेज। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसको बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है तो वो इसको पार्शली नेगेटिव इधर आ जाता है और ये थोड़ा पार्शली पॉजिटिव हो जाता है कार्बन। और ये जो OH ग्रुप है ये भी बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इट इज स्लाइटली कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, सो इट मेक्स अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, राइट? न्यूक्लियोफिलिक मीन्स सीकिंग पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब सीकिंग नेगेटिव चार्ज, राइट? तो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, वो नेगेटिव की तरफ अटैक होता है और न्यूक्लियोफिलिक में पॉजिटिव की तरफ अटैक होता है। तो यहाँ पे अटैक होता है और साइक्लाइजेशन हो जाती है। और ये देखिए आप जो पहले यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन थी दैट बिकम्स द एनोमेरिक कार्बन, ओके, एंड दैट इज ऑल्सो एन एसिमेट्रिक कार्बन, ओके, सो अनदर एसिमेट्रिक कार्बन हैज बीन क्रिएटेड। तो ये हेमी एसिटल या हेमी कीटल कह देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कीटोज था या एल्डोज था, राइट? सो दैट्स अबाउट द साइक्लाइजेशन। सिमिलरली वी हैव फ्रक्टोज, राइट? सो इट कैन ऑल्सो फॉर्म रिंग फॉर्म्स। सो ये हमारे हैं पायरानोज या फ्यूरानोज, तो सिक्स मेंबर रिंग है तो पायरान है, पायरान से रिजेंबल करते हैं, और फाइव मेंबर रिंग है तो फ्यूरान से रिजेंबल करते हैं, राइट? ओके, तो जैसे मैंने पहले कहा कि एनोमर्स क्या होते हैं, दीज आर आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक मोनोसेकेराइड्स that have different configuration only around the anomeric carbon. और echo solution में क्या होता है कि ये आपस में interconvert करते रहते हैं, इनका आपस में energy of conversion और interconversion बहुत कम होता है तो बहुत ज़्यादा interconvert करते रहते हैं। तो basically क्या होता है कि anomers जो होते हैं और इनको हम usually alpha और beta से denote करते हैं, तो जैसे alpha glucose है और beta glucose है, इसमें फ़र्क ये होता है beta में जो OH होता है वो अबव होता है, अबव दी प्लेन, ओके, तो ये इसको हम हैवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं, राइट? दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड फॉर CSIR नेट, सो हैवर्थ प्रोस्पेक्टिव या हैवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं इसको, जो इस तरह हम दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये जो डार्क लाइंस हैं, इसका मतलब कि वो हमारी तरफ पॉइंट कर रहे हैं और ये जो CH2OH है दिस इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम अस, ओके, तो ये आपस में इंटर कन्वर्ट करते रहते हैं अल्फा टू लीनियर टू बीटा ग्लूकोज, ओके, दे कीप कन्वर्टिंग, ओके। तो जैसे एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर ग्लूकोज का है, तो अगर आपने ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया, जैसे ग्लूकॉन डी आपने पानी में घोल के रख दी, तो उसमें 37% अल्फा फॉर्म होगा और 63% बीटा फॉर्म होगा और लेस देन 1% ओपन चेन फॉर्म होगा, ओके। तो ओपन चेन फॉर्म एक्चुअली इट इज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट सम रिएक्शंस जो डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं हम, तो दैट इज अ सेपरेट इशू, बट एनीवेज म्यूटा रोटेशन इज बेसिकली द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनोमर्स, ओके। और स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है बेसिकली, सो वी कैन क्लासीफाई द मॉलिक्यूल्स एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, ओके। सो दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द स्पेसिफिक रोटेशन, और इसको हम एक पोलैरीमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। सो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना ले हम, तो उसमें इस तरह 37% अल्फा और 63% बीटा फॉर्म में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, और अल्फा और बीटा जो एनोमर्स हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्फा डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट? बट इट इज मच मोर डेक्स्ट्रो रोटेटरी एज कंपेयर टू बीटा, राइट? 112 डिग्रीज प्लस, बीटा इज प्लस 19 डिग्रीज, और जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है वो डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोपोर्शन इट हैज एन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 52.7 डिग्रीज, सो दैट इज द स्पेसिफिक रोटेशन। तो इसका ये फॉर्मूला है, ओके, दिस इज फॉर योर नॉलेज, आई डोंट थिंक दे विल आस्क इन द नेट, बट Anyways, this is here for your reference. Okay, and as I said, monosaccharides can act as reducing agents. तो ये जो linear form है, खास करके ये reducing agents की तरह काम कर सकते हैं. And this is typically used for their detection also. तो for example,
कॉपर सल्फेट जो है, अगर इसका हम सोल्यूशन लें, यूजली ब्लू इन कलर होता है, और इसको रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं दे कैन कन्वर्ट देम इनटू रेड प्रेसिपिटेट, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ द फेलिंग टेस्ट, एंड इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट ग्लूकोज इन यूरिन. ओके, तो पुराने जमाने में या जैसे हमारे आजकल तो बहुत अच्छी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अवेलेबल हैं, पहले ये काफ़ी यूज में किया जाता था. फीलिंग्स टेस्ट वॉज यूज टू डिटेक्ट ग्लूकोज इन यूरिन. ओके, एंड देन वी हैव मोनोसेकेराइड डेरिवेटिव्स. मोनोसेकेराइड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? दीज आर मोनोसेकेराइड्स बट उसमें एडिशनल फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं. सो शुगर एसिड्स, शुगर अल्कोहल्स, डीऑक्सी शुगर्स एंड अमीनो शुगर्स. Okay, so we will continue this, the monosaccharide derivatives and the rest of the lecture in the next video. Okay, thank you for watching. Let me know if you have any questions or comments. If you are having some problems with carbohydrates or their concepts, please let me know in the comments. Okay, I hope you enjoyed this video. Okay, see you soon. Take care. Bye-bye.